हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। वैरासिया के व्हाइट हाउस में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। कोरोना में मृत हुए लोगों के परिजनों से जाना हालचाल और उनकी समस्याओं भी सुनी। समस्याएं बताते हुए कई परिजन हुए भावुक। वैरासिया क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांव के लोगों से मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह। मृतकों के परिजनों से जाना उनका हालचाल। पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर भी हुए भावुक। इस मौके पर कांग्रेस के भोपाल जिला ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव श्री अवनीश भार्गव, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती जयश्री हरिकरण, भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर, भोपाल जिला ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष श्री नरेंद्र शर्मा एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री रमेश साहू, मदनलाल ठाकुर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को लेने के लिए जगह जगह दौड़ लगाना पड़ा, भटकना पड़ा, अस्पताल में पलंग नहीं मिले। मैं विदिशा परसों गया था, वहां के मेडिकल कॉलेज का तो हाल इतना बुरा था कि बस आप मैं कह नहीं सकता। जितने लोगों से मैं मिला सब ने कहा कि साहब कोई व्यवस्था नहीं। सरकार क्या कर रही थी, एक एक परिवार के तीन तीन चार चार लोग चले गए। इनका पुनर्वास होना जरूरी है। माता पिता दोनों चले गए, छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए, अनाथ बच्चे छोड़ गए। केंद्र सरकार घोषणा करती है कि हम 4 लाख मुआवजा देंगे, लेकिन आदेश होता है सुबह और शाम को निरस्त हो जाता है आदेश। शिवराज सिंह जी ने भी कहा 1 लाख का मुआवजा देंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र में कहीं उसका उल्लेख ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है सरकार को कि इसकी गाइडलाइन तय करिए। अब गाइडलाइन में कोई लिखने तैयार नहीं है कि कोविड में मृत्यु हुई, यहां तक कि शमशान घाट में भी जो रजिस्टर रखा जाता है उसमें अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि आप इसमें कोरोना का उल्लेख मत करिए। आखिर आंकड़े छुपाने से मतलब क्या है? जितने बताए गए उससे 10 गुना ज्यादा लोग कोरोना से मरे, और गांव में तो जब RT-PCR टेस्ट ही नहीं हुआ तो कहां से पता पड़ेगा। सौरभ का जिन परिवारों में कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है उन परिवारों के पास जा रहा हूँ, पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी उनके फॉर्म भरवा रही है मुआवजे के लिए, जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। हमारा ये प्रयास है कि सबको एहतियातन हमको तैयारी करके रखना चाहिए। कोरोना अभी गया नहीं है, पूरी लापरवाही नहीं करना चाहिए। और रखिए देश के हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।